नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज के टॉपिक का थंबनेल तो आपने देखा ही होगा, लॉकडाउन की आहट। क्या भारत में एक बार फिर से लग सकता है लॉकडाउन? क्या भारत बढ़ रहा है लॉकडाउन की ओर? एक बड़ा लॉकडाउन क्या वापस आ सकता है? क्या कहती है ग्रहों की चाल? क्या कहती है ग्रहों की दशा? कैसे पता लगाएं कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे पास डेली आ रहे हैं आप सभी की तरफ से, और आज उन्हीं सवालों को लेके ये वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इस वीडियो में हम आज पता करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर आप सभी को दिखेगा लॉकडाउन, और क्या वाकई में लॉकडाउन की परिस्थितियाँ बनेंगी या नहीं बनेंगी, इसकी बहुत नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बहुत पहले ही कहा था कि अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और मार्च में भी जब केसेस बढ़ रहे थे, जब सवाल आ रहे थे कि सर केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्या लॉकडाउन लगेगा, तब भी मैंने कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो मार्च हमारा पूरी तरह से निकल गया आराम से, किसी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं रही। अब क्या अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक का समय आराम से निकल जाएगा? क्या इस बीच में कभी भी लॉकडाउन नहीं लगेगा? और लग सकता है तो कब कब लग सकता है, कितने दिन तक के लिए लग सकता है, ये सारी कैलकुलेशन मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आएगा और मेरी कैलकुलेशंस को आप बहुत ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज की परिस्थिति देखी जाए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब की अगर परिस्थिति देखी जाए तो शायद आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है ग्रहों की। जी हाँ, ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। गुरु नीच के, बुध नीच के, जब गुरु और बुध दोनों ही नीच के हो जाते हैं किसी कुंडली में, तो बुद्धि और ज्ञान ही खत्म हो गया। इसके बाद शनि और चंद्रमा का विषयोग भारत की कुंडली में दशाओं में यहाँ पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक नेगेटिव साइन देता है। और लग्न में राहु का बैठना, भारत की कुंडली के लग्न में ही राहु का बैठना कहीं ना कहीं एक और नेगेटिव साइन यहाँ पर दिखाता है। गोचर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा, और गोचर में इस तरह की परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं देती। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो जिस तरह की ग्रह गोचरी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है और जिस तरह से ग्रह अपना काम कर रहे हैं, उसे लगता है कि कहीं पर भी कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। जी हाँ, कभी भी कुछ भी कहीं पर भी बड़ा हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना रहेगा और बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रांजिट इस महीने में यहाँ पर रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये महीना एक डिसाइडिंग फेज के लिए चलेगा ही चलेगा। अगर आपने कुछ दिनों पहले मेरे वीडियोस देखे हों तो मैंने कहा था कि 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक के बीच का जो समय रहेगा, ये हाईली इम्पॉर्टेंट समय रहेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय। ये समय हमें दिखाएगा कि अब आगे का रास्ता कैसा कटेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लास्ट के जो 10 दिन रहेंगे मार्च के महीने के, वो हमें दिखाएंगे कि लॉकडाउन आगे लगेगा या नहीं लगेगा, या परिस्थितियाँ कितनी ख़राब होंगी। वैसी ही कैलकुलेशन हमारी निकली और बहुत कैलकुलेटिव तरीके से वो दिन यहाँ पर निकले थे। और जैसे ही अंगारक योग खत्म हुआ, अंगारक योग का प्रभाव कम होना शुरू हुआ, आज आप देख लीजिए बड़ी बड़ी आग की घटनाएं खत्म हो गई हैं। बहुत ज़्यादा भयंकर आग अब नहीं लग रही, अब उतने ज़्यादा न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही, अब एक आधा छोटी मोटी आग लगेगी और पूरी तरह से योग खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ गया। ये योग और इस तरह की दशाएं दिखाती हैं कि ग्रह वाकई में काम करते हैं, प्लैनेट्स वाकई में काम करते हैं, और प्लैनेट्स वाकई में प्रेडिक्शंस देते हैं, प्लैनेट्स वाकई में आपके बारे में, नेचर के बारे में बताने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, इसमें अगर हम देखें तो जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु नीचता से निकल के बाहर आ जाएंगे। बुध के ग्रहों को अभी नीचता को ख़त्म करने में थोड़ा सा समय लगेगा। जी हाँ, बुध ग्रहों को नीचता ख़त्म करने में 15 तारीख तक का समय यहाँ पर लगेगा, तो 15 तारीख के बाद बुध जो है वो अपनी नीचता से बाहर आएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन मैंने किया हुआ है कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के बीच में एक नया वैक्सीन आने वाला है, या किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिलने वाला है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ। यहाँ जो वैक्सीन आएगा, इस वैक्सीन के काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मंगल
और शुक्र की युति बनेगी और वैक्सीन का प्रभाव दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन रहेगा ये बहुत ज़्यादा प्रभावी वैक्सीन यहाँ पर दिखाई देगा। मेडिकल साइंस में एक बड़ी तरक्की हमें यहाँ पर दिखाई देगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले दिनों में वैक्सीन मेडिसिन को लेकर हमें मिलने वाले हैं। जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है तो ऐसी परिस्थितियों में लॉकडाउन की आहट क्या आती रहेगी या नहीं आती रहेगी, क्या लॉकडाउन की चीज़ें होती रहेंगी या नहीं होती रहेंगी। देखिए, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये तो कन्फर्म है कि लॉकडाउन की आहट रहेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि ये तो कन्फर्म है कि लॉकडाउन की आहट रहेगी। पूरे विश्व देश के, हम भारत की बात कर रहे हैं, और देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से रहेंगे जहाँ पर लॉकडाउन का डर सताता रहेगा, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। और ऐसे भी इंडिकेशन मिलती रहेंगे कि कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर कोरोना एकदम से ऐसा लगेगा फैलने वाला है, जैसे कि अभी की परिस्थिति चल रही है जो कि महाराष्ट्र में हाल हो रहा है, वो बिल्कुल लॉकडाउन की आहट दे रहा है। अब ये परिस्थिति कब तक रहेगी और कब तक लॉकडाउन की टेंशन, लॉकडाउन की तलवार हमारे ऊपर लटकती रहेगी। देखिए, 21 अप्रैल 2021 ये एक वैसा दिन रहेगा जो चेंजेस का दिन रहेगा, जो परिवर्तन का दिन रखाएगा। इसका वीडियो आपको संडे की शाम को लाइव सेशन में मिल जाएगा। संडे की शाम को लाइव सेशन में हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2021 क्या कहता है भविष्य इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो समय अब चलने वाला है, ये समय कहीं ना कहीं बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाने वाला है। मई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलने वाला है, अप्रैल का महीना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देने वाला है, मई का महीना स्टेबिलिटी देगा, जून का महीना चीज़ों को स्टेबल करेगा, जुलाई का महीना कहीं ना कहीं राहत देगा। जी हाँ, जुलाई का महीना कहीं ना कहीं राहत देगा। अगस्त से वापस से सिचुएशंस कहीं ना कहीं अप डाउन होती हुई, जिगजैग होती हुई दिखेगी। सितंबर ये वो महीना रहेगा दोस्तों, और अक्टूबर ये वो महीना रहेगा दोस्तों जहां पर लॉकडाउन की आहट वापस से बनना शुरू होगी, मतलब कि लॉकडाउन लगने के चांसेस वापस बनेंगे। और नवंबर, अगेन मेरी एक डेट दे रखी है मैंने, 21 नवंबर 2021, वहाँ से परिस्थितियाँ वापस से नॉर्मल होंगी। और कैसे नॉर्मल होंगी वो मैं आपको आगे समय पे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की जो तलवार है वो लटकी तो रहेगी बट परेशान नहीं करेगी, और परेशान अगर करती भी है तो वो कब करती है, स्पेशली सेप्टेम्बर अक्टूबर। सेप्टेम्बर और अक्टूबर ये वो समय रहेगा दोस्तों जहाँ पर लॉकडाउन कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न जो बनेगा वो बनेगा, कुछ लोगों का कहना है कि गुरु नीच के होंगे इस कारण से लॉकडाउन होगा, बट मेरा कैलकुलेशन कुछ और कहता है। वो मैं आपको सही समय पर आकर बताऊंगा कि मेरा कैलकुलेशन क्यों कहता है ऐसा, और मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि लॉकडाउन वहां पर लगने की आहट बन सकती है। लॉकडाउन पूर्ण तरह से लगेगा नहीं और बड़े लॉकडाउन के लगने के चांसेस नहीं है। अभी की अगर बात करें तो अभी कब ये जो समय चल रहा है, क्या इस दौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा? देखिए, इस दौर में भी अगर मैं बोलूं तो मई के एंड में और जून के स्टार्ट में हल्का सा योग बन रहा है, बहुत मामूली सा योग बन रहा है। अब देखिए, कोई योग अगर बन रहा है तो मैं आपको मना नहीं कर सकता कि योग नहीं बन रहा, बाकी हमारे कर्मों पर चीजें डिपेंड करती हैं। योग बनेगा, योग आएगा, समय आएगा, चला जाएगा, बट हमने क्या कर्म किया उसके ऊपर ही सारी चीजें यहां पर डिपेंड रहेंगी। 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक का समय जो है वो अगर हमारा पूर्णतया शांति से निकल जाता है तो फिर आगे लॉकडाउन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, नहीं तो सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा सकते हैं मई के एंड में और जून के स्टार्ट में। जी हाँ, क्योंकि मई और जून के बीच में जो ग्रहण योग बन रहा है वो ग्रहण योग कहीं ना कहीं परेशानियां पैदा करने की कोशिश करेगा। हालांकि मैंने अभी तक ग्रहण की पूर्ण कैलकुलेशन नहीं करी है, बट मैं एक आंशिक कैलकुलेशन जो है वो आपको बता रहा हूं कि ग्रहण कहीं ना कहीं परेशानियां देने की कोशिश कर सकता है। बट ये जरूर कहूंगा कि भारत में उतनी ज्यादा विकट परिस्थिति नहीं होगी, अभी भी कहूंगा कि भारत में उतनी ज्यादा विकट परिस्थिति नहीं होगी और चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे यहां पर चलती जाएंगी। तो इसीलिए आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है।
चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल होते हुए दिखेंगी और ये अप्रैल का महीना चीज़ों को नॉर्मल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और जैसे मैंने कहा, मई जून जुलाई अगस्त चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंसिंग सिचुएशन पर रहेंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा वर्स सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनेगी। हालांकि आज की डेट में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक तरह से रिकवरी रेट कम होती जा रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कहूँगा कि चीज़ें जो है वो बैलेंसिंग स्टेट पर रहेंगी और आप सभी को कहीं ना कहीं फ़ायदा इसका देखने को ज़रूर मिलेगा। कुछ समय की शांति और रख लीजिए, कुछ समय का पेशेंस और रख लीजिए, चीज़ें बहुत जल्द आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हुए नज़र आने लग जाएगी। तो इसीलिए लॉकडाउन की जो आहट या लॉकडाउन की जो घबराहट अभी जो आपके मन में है, अभी जो आपके दिमाग में है, उसको आप भूल जाइए, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए और चीज़ों को बैलेंस रखिए, तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, आपको ख़राब रिजल्ट नहीं मिलेगा और आने वाले समय में आपको ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ महसूस हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है आपको या कुछ भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका समाधान करने में आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद।